हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस के करंट अफेयर्स, जो कि हमारी PT 365 है और इस बार की इकॉनमी की है। इकॉनमी की PT 365 में हम लोग अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 22 तक जितनी भी टॉपिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स और जितने भी स्टेट PCS की प्रीलिम्स होने वाली है, उसमें ये सारे टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ पॉवर्टी एस्टिमेट्स एंड सेकेंड है डेवलपमेंट ऑन फिनेंशियल इंक्लूजन। उसके बाद कुछ की कॉन्सेप्ट देखेंगे और इंफॉर्मेशन देखेंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं। फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉवर्टी एलिवेशन के साथ, जिसमें कि पॉवर्टी एस्टिमेट की बात की जा रही है। फिलहाल न्यूज़ में क्यों है नहीं है इससे हम लोग को कोई भी मतलब नहीं रखना है, क्योंकि बेसिकली आपका जो फैक्ट्स है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट पॉवर्टी मेजर्स है। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, और गरीबी अगर हम लोग देखें तो यूजुअली मेज़र किया जाता है या तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी या तो रिलेटिव पॉवर्टी। इट मीन्स कि पूरी तरीके से यहाँ पे गरीबी है या फिर किसी से रिलेट करके गरीबी देख रहे हैं। कहने का मतलब है, एक इंसान ऐसा है जिसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो दो वक्त का खाना खा सके और अपने शरीर को ढकने के लिए दो सेट कपड़ा रख सके। मकान उसके पास जो है पक्की हाउसेस नहीं है, ठीक है। पानी के लिए यहाँ पे पीने के लिए आप देखो कि बिस्लेरी या फिर जो सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर है वो अवेलेबल नहीं है। तो एक ऐसा इंसान है जिसे हम लोग कहेंगे कि एब्सोल्यूट गरीब है, ठीक है। रिलेटिव अगर हम लोग पॉवर्टी की बात करें तो मान लीजिए कि दो इंसान हैं, ए है और बी है। तो अगर हम लोग देखें तो कहा जाएगा कि ए के पास अगर यहाँ पे विला है और बी के पास अगर यहाँ पे आप समझो कि अपना खुद का एक फ्लैट है, तो कहा जाएगा कि बी जो है वो रिलेटिव, अगर हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे ए से, तो ए के कंपैरिजन में बी जो है वो गरीब है, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास आप गाड़ी ही देखो कि बी है, ए और बी में से अगर हम लोग देखें कि ए के पास अगर स्कॉडा है और बी के पास अगर मर्सिडीज़ है, तो हम लोग यही कहेंगे कि ए जो है वो गरीब है अगर इसको हम रिलेट करते हैं बी से। इट मीन्स कि रिलेटिव पॉवर्टी भी होती है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी भी होती है। ये बेस्ड करता है कि पॉवर्टी थ्रेशोल्ड कितना है, पॉवर्टी लाइन कितनी है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इट मीन्स कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, जिसमें कि सफिशियंट रिसोर्स की कमी है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान सफाई पानी, ये सब की कमी होती है, ठीक है। वहीं अगर रिलेटिव पॉवर्टी, जो कि हम लोग यहाँ पे रिलेट करके देख चुके हैं, बट पॉवर्टी में आप देखो बहुत सारे फेसेस हैं जो कि टाइम और प्लेस के साथ ये भी चेंज करता है, और डिफरेंट डिफरेंट आप देखो कि पॉवर्टी मेजर्स है। जैसे कि जो पॉवर्टी एस्टिमेशन अप्रोच अगर हम लोग अपने देश में देखें तो वेलबींग अप्रोच है, कैपेबिलिटीज़ अप्रोच है, साथ ही यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हैं। सबसे पहले वेलबिंग अप्रोच अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे डायमेंशन और इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे एरिक एलार्ड के द्वारा दिया गया, जिसमें थ्री डायमेंशंस है कि क्या मटेरियल, सोशल और स्पिरिचुअल इमोशनल। इन तीनों को यहाँ पे कंबाइन करके देखा जाता है कि लोग कितने वेलबिंग हैं, कितने स्वस्थ हैं। वहीं अगर कैपेबिलिटीज़ अप्रोच देखें तो यहाँ पे अमर्त्य सेन के द्वारा ये एक कॉन्सेप्ट दिया गया था, कैपेबिलिटीज़ अप्रोच। कई बार ये पूछा भी गया है UPSC प्रीलिम्स में कि कैपेबिलिटीज़ अप्रोच जो है वो किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये आपकी बातें कही गई है, तो ये आपका अमर्त्य सेन के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे 5 कैपेबिलिटीज़ के ऊपर यहाँ पे जज किया जाता है और ये देखा जाता है, मेजर्स किया जाता है कि लोग कितने करीब हैं। जैसे इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज़, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ है, पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज़, सोशल कल्चर कैपेबिलिटीज़ एंड सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़, ओके। उसके बाद फाइनल आता है मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। इट मीन्स कि एक ऐसी इंडेक्स जिसमें कि एक इंसान को अगर हम लोग गरीब कह रहे हैं तो मल्टीपल तरीके से मल्टीपल यहाँ पे इंडिकेटर्स है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे मेजर करके कह पा रहे हैं कि ये गरीब है, जो कि 2010 में लॉन्च हुआ और यहाँ पे ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी के द्वारा और ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली आप देखो 3 डायमेंशन तो है पर टोटल 10 इंडिकेटर्स है। 3 डायमेंशन है, फर्स्ट वन इज एजुकेशन, सेकेंड है हेल्थ एंड थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो एजुकेशन की बात करें तो स्कूल ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग है और स्कूल अटेंडेंस है। हेल्थ की बात करें तो चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, फ्लोरिंग, कुकिंग, फ्यूल एंड एसेट, ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो ये हम लोग देखते हैं कि अगर एक इंसान है उसके पास पढ़ने के लिए अगर पैसे नहीं, वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, बेसिक एजुकेशन जो है वो अवेल नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग वैसे इंसान को गरीब कहते हैं। या फिर एक ऐसा फैमिली है जिसमें कि वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेज पा रहे हैं। हेल्थ परस्पेक्टिव से अगर देखें कि एक ऐसा फैमिली जिसमें कि अगर बच्चे हैं और उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो आप देखो माल न्यूट्रिशन का शिकार है उनको, या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी है, बच्चे जब जन्म ले रहे हैं तो 0 से 5 साल के बीच में ही उनकी डेथ हो जा रही है, तो हम लोग कहेंगे कि ये बच्चा गरीब है। साथ ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या है कि मान लीजिए कि बिजली का कनेक्शन नहीं है उस घर में, पीने के लिए पानी नहीं है,
साफ़ सफाई नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी खाना जो पक रहा है वो यहाँ पे उसके लिए आप देखो कि फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, कुकिंग फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि इस पूरे तरीके से कैलकुलेट करें तो एक इंसान जो है मल्टीपल डायमेंशंस के थ्रू यहाँ पर गरीब है। इसी में अगर देखिए पॉवर्टी एस्टिमेट को लेकर बहुत सारे ऐसे कमेटी है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, जैसे तेंदुलकर कमेटी है 2009 की, इसमें कहा गया कि मंथली पर कैपिटा जो कंजप्शन है एक्सपेंडिचर का वो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा पे ही बेस्ड होगा। फाइंडिंग यहाँ पे निकल कर आए थे कि पॉवर्टी लाइन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आप देखो 21% तक टोटल पॉपुलेशन आ रहे हैं। रंगराजन कमेटी है 2014 में, जिनके द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो लार्ज सर्वे ऑफ हाउस होल्ड है बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, उनके ऊपर ये बेस्ड होगा। साथ ही इससे ये निकल कर आया कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो है इसमें 29.5% जो है टोटल पॉपुलेशन है। वहीं अगर नीति आयोग की यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखें तो ये जो डेवलप किया गया था, दिस वाज डेवलप्ड बाय नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसमें आप देखो टोटल जो है 12 पैरामीटर्स है, जिसमें कि ये कहा गया था कि 25% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनली पुअर है, हर तरीके से गरीब है। ओके, अदर कमेटी भी है, अलाग कमेटी 1979 की, फिर देन यहाँ पे लखद्वाला कमेटी 1993 की। ओके, सो दीज आर द कमेटीज़ जो कि अपनी रिकमेंडेशन दिए थे कि कैसे यहाँ पे पॉवर्टी एस्टिमेट करना है। अदर इनइक्वालिटी मेजरमेंट अगर हम लोग देखें पॉवर्टी और जो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2022 है, तो इसमें करेक्टिंग कोर्सेज के बारे में देखें तो ये बायनियल रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जो कि ग्लोबल एस्टिमेट पे ऊपर ये दिया गया था। साथ ही इसमें एक्सट्रीम जो पॉवर्टी लाइन है उसको रेज किया गया है, जो कि 1.90 से लेकर यहाँ पे 2.15 पर पर्सन पर डे है, और ये बेस्ट किस में है 2017 के परचेजिंग पावर पैरिटी में। जो पॉवर्टी लाइन है ये आप देख सकते हो कि लेस देन 6.85 पर पर्सन पर डे यहाँ पे आपका रखा गया है, डॉलर में है। ओके, तो $1 इज इक्वल टू आज के डेट में आप देखो कि कितना हो गया, 78 हो गया, तो 78 मल्टीप्लाइड बाई 6.85, तो ये आप समझ जाओ कि पर पर्सन पर डे जो है अगर उनको इतना मिल रहा है तो इट मीन्स कि पॉवर्टी लाइन जो है वो इनका लेस है। कमिटमेंट जो यहाँ पे कहा गया था कि कैसे इनइक्वालिटीज़ इंडेक्स में रिड्यूस करना है, इट मीन्स कि CRI इंडेक्स आप देखो जो कि है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़, इसमें इंडिया का रैंक 123 है, जिसमें हम लोग इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप देखो कि इनइक्वालिटीज़ कहाँ है, हर एक जगह हमारे देश में देखने को मिलेगा, चाहे वो मेल फीमेल हो, जेंडर इनइक्वालिटी हो या फिर किसी भी तरीके का हो, जिसमें कि ये कहा गया कि प्रीवियस रैंकिंग के कंपैरिजन में इस बार हमने यहाँ पे थोड़ा सा रैंक इम्प्रूव किया है। 2022 में अगर हम लोग देखें तो जो CRI इंडेक्स है ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में यहाँ पे देख रहे हैं, साथ ही 161 कंट्रीज़ में ये देखने को मिलेगा जो कि इनइक्वालिटीज़ को फाइट कर रहे ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स जो कि COVID-19 पैंडेमिक का है। इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल और डेवलपमेंट फाइनेंस के द्वारा इसको प्रिपेयर्ड भी किया गया है। ओके, तो ये सारी बातें रही, अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग अगर आप लोग को नहीं पता है तो फिनेंशियल इंक्लूजन कहने का मतलब है कि जैसे एक फैमिली है, एक फैमिली में आप लोग देखो कि 5 पर्सन है, 5 पर्सन में से हर एक इंसान के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। इट मीन्स कि हर एक इंसान को बैंक अकाउंट के साथ लिंक करना, इसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे फिनेंशियल इंक्लूजन। इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो इंडियन पीपल्स है वो यहाँ पे बैंकों के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बैंकों की फैसिलिटी अवेल कर पा रहे हैं। ओके, ग्लोबल अगर फिनटेक्स डेटाबेस 2021 का देखें, और ये जो आपका डेटाबेस है वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो यहाँ पे टैगलाइन है, थीम है, वो है फिनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट एंड रेजिलियंस इन एज ऑफ COVID-19, जिसमें ये सर्वे किया गया है कि 123 इकोनॉमिक जो पीपल्स है वो यहाँ पे यूज़ करें फॉर्मल और इनफॉर्मल फिनेंशियल सर्विसेज़ को। ओके, तो इंडिया भी उस 7 कंट्रीज़ में से है जिसमें कि वर्ल्ड की 1.4 बिलियन एडल्ट जो है उनकी हमारे देश में रहते हैं। फिर है फिनक्यूवेलेशन, तो ये क्या है, एक्चुअली इंडिया की जो पोस्ट पेमेंट बैंक है उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एक्चुअली ये आप देखोगे कि एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसमें कि फिनटेक स्टार्टअप्स के साथ हम लोग यहाँ पे कोलैबोरेट करके लाए हैं, और फिनेंशियल इंक्लूजन्स के लिए एक इनोवेटिव सॉल्यूशंस कि कैसे लोगों को यहाँ पे बैंकों के साथ जोड़ा जाए। अगर यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें, जिसको कि 2018 में ही लॉन्च किया गया और इसको इस्टेब्लिश किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत, जिसमें 100% इक्विटी किसकी है, तो हमारी सरकार की।
उसके बाद है FI इंडेक्स, इट मीन्स कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है। ये एक रिपोर्ट है जो कि RBI के द्वारा रिलीज़ की जाती है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जिसमें कि ये देखा जाता है कि कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे देश में हुआ है, इट मीन्स कि कितने लोग हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस लिए हैं, पोस्टल और पेंशन सेक्टर से जुड़े हैं। इसमें टोटल आप देखो 3 पैरामीटर्स है, जिसमें ये देखा जाता है कि एक्सेस कितना हो रहा है, यूजेस कितना है और क्वालिटी कैसी है। टोटल तो 97 इंडिकेटर्स हैं, ये सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंडेक्स आप देखो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है, जो कि ये कहा जा रहा है कि लास्ट ईयर से हमारी जो थोड़ी कंडीशंस है वो इम्प्रूव हुई है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन से लेकर जो ये तीनों रिपोर्ट है उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट भी है, इन्फॉर्मेशंस भी है। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे छोटे टर्म्स है जो कि इकॉनमी में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और ये जो भी टर्म्स है जो हमारे न्यूज़ में रहे हैं उससे रिलेटेड ही है। हर साल आप देखोगे UPSC में इकोनॉमिक्स से 15-17 क्वेश्चंस लगभग आते ही है, रेंज ही है ये आपका 15-20। तो इसमें से आप देखोगे कि 4-5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट ये टर्म पे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब दिस टर्म। ओके, तो इसलिए आप लोग को थोड़ा बहुत मीनिंग आइडिया होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे अगर ग्लास क्लिफ के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे वुमेंस को प्रमोट किया जा रहा है हायर पोजीशन के लिए, ठीक है। जैसे जब क्राइसिस का टाइम आता है, जब COVID-19 रहा या फिर किसी भी तरीके का रिसेशन का टाइम है, जब हम लोग देखते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही कम हो रही है, हमारी इकोनॉमीज डाउन हो रही है, तब उस समय हम लोग को याद आता है कि हाँ हमारे पास एक और जेंडर है जो कि है यहाँ पे फीमेल। तो यहाँ पे वुमेन को हम लोग प्रमोट करते हैं कि आप हायर पोजीशन तक जाओ। जब यहाँ पे वुमेन को प्रमोट किया जाता है एक लीडरशिप पोजीशंस लेने के लिए कुछ कंपनीज़ में, तब यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं ग्लास क्लिफ। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रहेगी। आई होप ये जो टर्म है ये सारे जगह पे अप्लाइज होती है, मीन्स जो चैलेंजेस यहाँ पे माइनॉरिटीज़ और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के द्वारा जो फेस किया जाता है, जो परेशानियाँ ये लोग फेस करें, इनके ऊपर भी ये जो ग्लास क्लिफ है ये वर्ड अप्लाई होता है। नेक्स्ट है टेक्निकल रिसेशन। ये तो रिसेशन आप देखो जब से COVID-19 आया है तब से टेक्निकल रिसेशन टर्म हमारे देश में चल रहा है। तो टेक्निकल रिसेशन कहने का मतलब है कि ऐसा टर्म जो कि उसमें दो क्वार्टर, यानी कि आप देखोगे 3-3 मंथ्स का जो क्वार्टर होता है, इसमें लगातार 6 मंथ्स तक अगर आउटपुट यहाँ पे डिक्लाइन हो रही है तो उसको हम लोग टेक्निकल रिसेशन कहते हैं, ठीक है। रिसेशन तो ठीक है, ये भी हमारा जो है कंटिन्यूस अगर ग्रोथ डाउन हो रहा है तो उसको हम लोग रिसेशन कहते हैं, बट टेक्निकल रिसेशन जो कि कंटिन्यूस टू कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स अगर डिक्लाइन हो रहे हैं तब, मेनली अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग यहाँ पे जो अभी करेंट ट्रेंड्स जो चल रहा है GDP में उसको कैप्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। वहीं अगर रिसेशन आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्रॉड बेस्ड डिक्लाइन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। फाइन, अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे डूम लूप। सो डूम लूप अगर हम लोग देखें तो यूरोप इज़ हेडेड फॉर डूम लूप। ये है क्या? एक सर्किल ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ है जहाँ पे कंट्री की जो बैंकिंग सिस्टम है ना वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया है। इट मीन्स कि आप जानते हो कि हमारी अर्थव्यवस्था जो टिकी है वो हमारे बैंकिंग सिस्टम पे टिकी है। हमारे देश में क्या है कि बैंकों की स्थिति इतनी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी थी कि सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा कि जितने भी जो बैंक यहाँ पे डाउन हो रहे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसको मर्ज कर दिया जाए। टोटल आप देखो कहाँ 27 हमारे यहाँ बैंक थी, उससे आज के डेट में ओनली 12 बैंक है। ओके, तो ये चीज़ें हैं कि जहाँ की बैंकिंग सिस्टम अगर ख़राब हो रही है तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यूस अगर ख़राब हो रही है, परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तब वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक सर्किल ऑफ वल्नरेबिलिटी अराइज हो गया है, जिसे हम लोग डूम लूप कहते हैं, ठीक है। शॉक हो गया, एक शॉक आ गया है वन पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम में। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएटिव इकॉनमी। क्रिएटिव इकॉनमी अगर हम लोग देखें एज़ पर द यूनाइटेड नेशंस की जो यहाँ पे कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इनके द्वारा अगर आप देखोगे तो क्रिएटिव इकोनॉमी कहने का मतलब है कि एक ऐसा इमर्जिंग कॉन्सेप्ट जो कि क्रिएटिविटी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, इन सब के साथ यहाँ पे डील करता है। ओके, तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्रिएटिव इकोनॉमी, कुछ नया करने का, कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ लाने का, इसको कह रहे हैं क्रिएटिव इकोनॉमी। ओके, ट्विन सिटी डेवलपमेंट, ये तो आपने देखा ही होगा कि ट्विन सिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखा गया है। तो ट्विन सिटी डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्म करना आज के डेट में जो सिटीज़ है और उसको ट्रांसफॉर्म करना, और कुछ न्यू जेनरे ऑफ सैटेलाइट हो गया, थीम हो गया, टाउनशिप, उस तरीके से इसको यहाँ पे डेवलप करना जो कि काफ़ी सेफ हो, एफिशिएंट हो, क्लीन भी हो, ग्रीन भी हो और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफर करे लोगों को। ओके, अर्बन 20 है। अर्बन 20 कहने का मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म है G20 कंट्रीज़ के लिए
कि वो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है अर्बन डेवलपमेंट के लिए, जिसमें क्लाइमेट चेंज भी है, सोशल इंक्लूजन भी है, और यहाँ पे आप देखो कि कलेक्टिव सॉल्यूशंस भी लाना है। तो इसलिए U20 आप देखो तो जैसे G20 है उसी में ये U20 लाया गया है, जस्ट टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इशूज़। ओके, ट्विन ट्रांजिशन है। ट्विन ट्रांजिशन अगर अप्रोच देखें तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है कि देर इज़ अ ह्यूज एंड लार्जली अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है फॉर टेक्नोलॉजी के लिए और डेटा के लिए, जो कि यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी गोल्स को ड्राइव कर रहे हैं। हम लोग ट्विन अगर ट्रांजिशंस देखें तो इसकी ज़रूरत तब है जब फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इसकी बैकड्रॉप को लेकर, इट मीन्स कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो 4.0 है उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ट्विन ट्रांजिशंस देख रहे हैं। ओके, साथ ही कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है 2022 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप देखो कि वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 रिलीज़ किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है जो न्यूयॉर्क है उन्होंने इस लिस्ट में टॉप किया है और इसके बाद सेकेंड नंबर पर है सिंगापुर। अगर हम लोग इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो एक्चुअली ये रिसर्च और एनालिसिस डिवीजन है एक इकोनॉमिक्स ग्रुप का। फाइन, नेक्स्ट आते हैं डेवलप्ड कंट्री थ्रू पंच प्राण। तो ये है क्या पंच प्राण? देखिए, इंडिपेंडेंस डे में हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जी जो है इनके द्वारा कहा गया इंडिया को कि आप पंच प्राण को एम्ब्रेस करो फॉर इंडिया, कि हम लोग यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री बन सके नेक्स्ट 25 ईयर्स में। तो ये पंच प्राण है क्या? पंच प्राण अगर हम लोग अमृत काल का देखें तो फर्स्ट प्राण है यहाँ पे कि हम लोग को डेवलप्ड इंडिया का गोल जो है वो पूरा करना है। सेकेंड है कि हम लोग को जो भी यहाँ पे कॉलोनियल माइंडसेट है हमारे ऊपर, आपने देखा है कि इंडिया को 200 साल तक भी जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ पे शासन किए, तो ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है उन्हें हम लोग दूर करना है। थर्ड प्लान है कि हम लोग को यहाँ पे अपने रूट में ही प्राइड लेना है, इट मीन्स कि जो भी हमारी यहाँ पे जड़ें हैं उनको हम लोग को गर्व से देखना है। फोर्थ प्लान है यूनिटी, इट मीन्स कि हमारे यहाँ जितने भी लोग रहते हैं हर धर्म के, हर मजहब के, हर जात के, हर तरीके से लोग जो रहते हैं उन सब के बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए। फिफ्थ प्लान है सेंस ऑफ ड्यूटी, जो कि सिटीजन्स में आप देखोगे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा कंट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया है 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में। फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ कहा जा रहा है, इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशंस है, एंड थर्ड है डेवलपिंग इकोनॉमीज़। तो हम लोग अभी बेसिकली किस में काउंट होते हैं? तो हम लोग यहाँ पे लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हम लोग लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में काउंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है। इंडिया का जो करंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर है वो याद रखना है 0.64 है, विच इज़ वेरी लोअर। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं फिनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड FIF। तो एक न्यू यहाँ पे फिनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड है पैंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स के लिए, जो कि यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है इंटरनेशनली विथ फिनेंशियल कमिटमेंट कि मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे काम किया जाएगा, जिसमें हम लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेसिकली अगर फिनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड देखें तो इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा होस्ट किया गया विथ टेक्निकल सपोर्ट, जो कि WHO भी यहाँ पे दे रहे हैं। FIF की बात करें तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग वगैरह ये प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि हमारे यहाँ पे जो प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़ है वो हमारे यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रेंथेंड होगा। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी फंड से क्या होगा कि इससे अगर हम लोग देखें तो हमारी जो यहाँ पे प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस और जो रिस्पॉन्स कैपेसिटी है वो और ज़्यादा मजबूत हो पाएगा, जैसे कि जूनोटिक डिजीज़ का सर्वेलांस करने में लेबोरेटरीज़ है, इमरजेंसी कम्युनिकेशंस है, क्रिटिकल हेल्थ वर्कफोर्स कैपेबिलिटीज़ हैं, तो इन सब एरिया में हम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर पाएंगे। ओके, सो गाइज़ यहाँ पे हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमिक ग्रोथ उसके बारे में हमने यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस हम लोग देखेंगे। ये भी एक एक टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर हम लोग बात करें तो करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या? देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट में जितना भी सामान हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, हम लोग अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं, इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट, और जब दूसरे देश से हम लोग अपने देश में लेकर आते सामान तो इसको कहते हैं इंपोर्ट। तो जो भी हम लोग यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो ये सारा रिकॉर्ड हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में आता है, और फिर ये ट्रांसफ़र पेमेंट जितना भी होता है, इट मीन्स कि सामान का अगर हम लोग यहाँ पे परचेज सेल करते हैं तो उससे हम लोग यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड वगैरह है, जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट होता है वो यहाँ पे मेंटेन होता है। कैड की अगर हम लोग बात करें करेंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने का मतलब है कि दो भाग में डिवाइड हुआ, एक तो करेंट अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट अगर हम लोग देखें तो कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हो कि इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट है, लोन है और बैंक अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है, इट मीन्स कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट है आज के डेट में वो घाटे में चल रहा है। इट मीन्स क्या होता है कि हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमारा जो ये करंट अकाउंट डेफिसिट है ये इसका फॉर्मूला होना चाहिए कैड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट तो हमारा माइनस में चल रहा है, ठीक है, माइनस वन है,
और ये हमारा इम्पोर्ट जो है प्लस में हो रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस में चलते हैं, जो कि हमारा करेंट अकाउंट को हम लोग डेफिसिट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट में कहाँ कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा, दो तरीका है। एक तो आप देखो कि FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, साथ ही यहाँ पे आप देखो FII है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगर लोन में देखें तो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग किया जाता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग कहने का मतलब है कि जब हम लोग अपने ही देश में नहीं, बाहर कंट्री से जब हम लोग बोरो करते हैं तो इसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग के तहत रखते हैं। बैंक अकाउंट में आप देखो कि जो विदेशी होते हैं उनके भी अकाउंट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के लोग जो है अगर बाहर काम कर रहे हैं, जैसे सिंगापुर में रह रहे, UK में रह रहे, US में रह रहे, तो उनका भी एक NRI अकाउंट होगा, ठीक है। तो इन सबसे कैपिटल जनरेट होता है हमारे देश में। तो अगर इन सबसे कैपिटल ज़्यादा जनरेट नहीं हो पा रहा है और हमें खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे करेंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग करेंट अकाउंट की बात करें तो करेंट अकाउंट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या आता है। करेंट अकाउंट में विजिबल इनविजिबल है। विजिबल क्या, हम जो ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो हमें पता है कि हम लोग क्रूड ऑयल बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं, कार वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल कंप्यूटर गोल्ड, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपोर्ट भी करते हैं, और कुछ आप देखो कि पर्ल्स हो गए, गोल्ड हो गए, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जो दिख रहा है हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उसको हम लोग विजिबल कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि इनविजिबल है, जैसे कि कुछ सर्विसेज यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकम है, जैसे कभी प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, तो ये सारी चीज़ें जो है इनविजिबल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं कर पाते। बट हाँ, ये भी हमारे करेंट अकाउंट में काउंट होता है। साथ ही ट्रांसफ़र, आप देखो कि करेंट अकाउंट में क्या होता है कि रेमिटांसेस है। रेमिटांसेस कहने का मतलब है कि मान लो कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ, बट कल को मैं सऊदी अरेबिया चले जाऊँ, वहाँ पे अगर अर्न करने लगूँ, अर्न करूँ, तो कुछ पैसे जो है मैं अपने फैमिली को तो इंडिया भेजूँगी, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर्स यहीं पे हैं। तो जब मैं वापस भेजती हूँ, इट मीन्स कि विदेश में रह के, विदेश में काम करके, विदेशी पैसे कमा कर उसे जब मैं इंडिया में रिटर्न करती हूँ, मतलब अपने फैमिली को भेजती हूँ, तो उसे रेमिटांस कहा जाता है। ये आप देखो डोनेशन डोनेशन वगैरह भी है, गिफ्ट वगैरह भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारा करेंट अकाउंट में काउंट होता है। करेंट अकाउंट डेफिसिट है, इट मीन्स कि तो ये सब काउंट हो जाएगा हमारा करेंट अकाउंट। हम लोग जो डेफिसिट की बात करें, वो हम लोग यहाँ पे डेफिसिट की बात करें कि हमारे पास जो है एक्सपोर्ट हम लोग कम करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। जैसे और भी देख लेते हैं की फैक्ट्स क्या क्या है इंडिया का करेंट अकाउंट डेफिसिट का। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चलता है, जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो सर्विस में बहुत ज़्यादा है। इंडिया की वर्ल्ड जो लार्जेस्ट रेसिपिएंट हम लोग बन चुके हैं रेमिटांस का, इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे आप देखो कि सारे काफ़ी मैक्सिमम लोग हैं जो कि बाहर रह के काम करते, साथ ही विदेश जाते हैं, और डायस्पोरा भी आप लोग को देखने को मिलेगा कि हर एक देश में जाओगे तो वहाँ इंडियंस मिलेंगे ही। तो इंडियंस बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो वापस वो पैसे भेजते हैं इंडिया में, तो इसलिए हम लोग रेमिटांस में टॉप एक्सेप्टर्स हैं यहाँ पे। साथ ही इन लास्ट फ्यू ईयर्स में देखें तो फ्यू आइसोलेटेड क्वार्टर्स भी है करेंट अकाउंट सरप्लस का, जो कि यहाँ पर रिकॉर्ड भी किया गया है। करेंट अकाउंट डेफिसिट का अगर हम लोग देखें इम्पैक्ट क्या है, कॉजेज़ क्या है, एफर्ट क्या है, तो रीज़न क्या है करेंट अकाउंट डेफिसिट का, हमारे यहाँ ऐसा क्यों है, तो आप देखो कि हमारा प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हमारी जो एनर्जी नीड है वो हमारे डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उससे पूरी नहीं हो पाती है। सो दैट्स वाई हम लोग को क्रूड ऑयल वगैरह इम्पोर्ट करानी होती है, तो इसलिए हमारी एनर्जी इम्पोर्ट बढ़ जाती है। साथ ही आप देखो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस वगैरह जो है ये भी बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे देश में ऑलरेडी बन रहे हैं, लेकिन आप देखो कि बाहर के देश के जो प्रोडक्ट है, चाइनीज़ फ़ोन वगैरह हैं, वो आप देखते हो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं और चलते भी हैं, तो इसलिए लोग जो है यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव ज़्यादा देखते हैं, क्वालिटी के हिसाब से वो प्राइस ज़्यादा देखते हैं। तो इसलिए जो ग्लोबल प्राइस में अगर हम लोग कुछ प्रोडक्ट को कंपेयर करें, तो उसमें हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो महंगी पड़ जाती है। अनकॉम्पिटिटिव यहाँ पे एक्सपोर्ट है, हम लोग एक्सपोर्ट तो करते ही हैं, बट आप देखो कि वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। ओके, एज़ पर द जो कंडीशंस है, एज़ पर द जो लेवल हम लोग को टच करना चाहिए, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही जो डोमेस्टिक डिमांड है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, दीज आर गेटिंग इंक्रीजिंग। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए, उससे पहले अगर आप जाओ तो हमारे देश में जो है हम लोग सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इतने लोग हैं, इतने लोगों की जो है पेट भरना, इतने लोगों की डिमांड भरना, वो हमारे कंट्री में जितनी भी प्रोडक्शन होती है उससे हम लोग नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे फोर्सफुली इम्पोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है उस पर ध्यान ना देकर हम लोग इम्पोर्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सो दैट्स वाई ये आज के डेट में हम लोग झेल रहे हैं कि करेंट अकाउंट डेफिसिट जैसी प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं कि करंट अकाउंट डेफिसिट होते जा रहा है, हम लोग घाटे में जाते जा रहे हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आने वाले दिनों में काफ़ी यहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिलेगी।
सबसे पहला है कि हमारा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो पुल आउट हो जाता है। जब यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सिर्फ फ़ायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए ही वो इन्वेस्ट करते हैं। वो अगर 2 रुपया भी लगा रहे हैं और उसमें से वो 4 रुपया अगर नहीं कमाए, 3.5 भी नहीं कमाए, तो वो वैसे ही जगह पे, वैसे कंपनी, वैसे प्लेस, वैसे कंट्री में वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। तो जब उनको देखने को मिलता है कि हमारे देश में डेफिसिट है, करेंट अकाउंट डेफिसिट है, तो इससे क्या होता है कि वो अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको हमारे देश से निकाल लेते हैं। सेकेंड है कि फ्लक्चुएशन है, एक्सचेंज रेट जो डायनेमिक्स है उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। इन्फ्लेशनरी कंसर्न है, कई बार आप देखो कि महंगाई मार्केट में इतना हो जाता है कि पैसे का जो फ्लो है मार्केट में ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं कि महंगाई बढ़ गई है। साथ ही यहाँ पे पेमेंट इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। पेमेंट हम लोग यहाँ पे हमारी बैलेंस नहीं है, जिसके कारण जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्राइसिस हो सकता है, ये सारे थ्रेड्स हैं। हम लोग को एक्शंस क्या क्या लेना चाहिए? सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शंस हो रहा है, हम लोग को और भी अपने यहाँ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शंस हो रही है, नीड है कि हम लोग उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करें। साथ ही नॉन एसेंशियल्स जो इम्पोर्ट है, बहुत सारे इम्पोर्ट जो है वो हम लोग 1999 में भी कर रहे थे और 2023 में भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है। तो हमें वो सारे गुड्स और सर्विसेज़ को कट डाउन करना होगा, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज़ को हम लोग को इम्पोर्ट से बंद करना होगा, जिसकी हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं और जिसकी हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम लोग को इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस गेन करने की ज़रूरत है, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो। इन दोनों की कॉन्फिडेंस तभी हम लोग यहाँ पर गेन कर पाएंगे जब हम लोग यहाँ पर डेफिसिट में नहीं चलेंगे। साथ ही हम लोग को एक फिजिकल कंसोलिडेशन पार्ट लेकर चलना होगा, जिससे कि हम अपनी फिजिकल मैनेजमेंट को सही तरीके से, बेटर तरीके से कर पाए। ओके सो गाइज, दिज आर द थिंग्स विच हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट के तहत, एंड दिज आर द वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट विच आर वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस लेसन। और थोड़ी सी भी अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर इससे गेन होती है, तो उसके लिए आप लोग हमारे वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। साथ ही डेली बेसिस पे यहाँ पे PT 365 को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट करी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ आप लोग कमेंट कर सकते हो। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।